अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां प्रतिबंधित छात्रों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। प्रतिबंधित छात्रों ने डाउनलोड किए एडमिट कार्ड। 9 जुलाई को होगी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा। जानकारी लगते ही आयोग ने लिंक हटाया। परीक्षा केंद्र में उपस्थित नहीं होने की कही बात। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां प्रतिबंधित छात्रों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 9 जुलाई को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा होगी। चलिए इसी के साथ सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी देने के लिए। सोनू, बताया जा रहा है कि भर्ती परीक्षा जो होने वाली थी उसको लेकर कुछ छात्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, मगर अब उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और 9 जुलाई को उनकी परीक्षा होगी। देखिए, उत्तराखंड में जब पेपर लीक प्रकरण सामने आया तो एक आयोग जो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग है, UK SSC, इसके अधिकार क्षेत्र की जितनी भी परीक्षाएं थी उनको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सौंप दिया गया। और उसके बाद फिर नकल विरोधी कानून भी सरकार लाई, और इस दौरान जो पेपर लीक प्रकरण सामने आया तो इसमें तमाम कर्मचारी अधिकारी उनकी संलिप्तता पाई गई, और कुछ ऐसे छात्र थे जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, वो जब उनकी संलिप्तता आयोग की जांच पड़ताल के दौरान सामने आई तो उनको प्रतिबंधित कर दिया गया और 5 साल तक वो कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब चूंकि 9 जुलाई को स्नातक स्तरीय परीक्षा होनी है, लिहाजा इसके लिए जो एडमिट कार्ड आयोग की तरफ से जारी किए गए इनमें कुछ ऐसे प्रतिबंधित छात्र हैं जिन छात्रों को ये एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। और यही नहीं, छात्रों ने अभ्यर्थियों ने जो है इन एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर लिया आयोग की वेबसाइट से। जैसे ही इसकी जानकारी आयोग को लगी तो आयोग ने तत्काल, आयोग के सचिव ने जो है वो पत्र जारी कर सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित नहीं होने और उसके आसपास केंद्रों के आसपास मौजूद नहीं होने के लिए पत्र जारी किया है। और अब ये देखना होगा कि जो 9 तारीख को परीक्षा होनी है, इस परीक्षा के दौरान जो है किसी भी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न कम से कम ये संलिप्त छात्र ना करें, इसका ध्यान खास तौर पर आयोग को रखना होगा। जी चलिए सोनू, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां प्रतिबंधित छात्रों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और 9 जुलाई को इनकी परीक्षा है। कड़े इंतजाम किए गए हैं।